नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट है। इन्होंने जो भी और बहन भाई देख रहे हैं उनके भी जो ये कमेंट है बहुत ही काम आने वाला है। जो कि हर घर में ब्याह शादी होती है तो हमारे परिवार में भी होती है, ये कमेंट आपको काफ़ी काम आने वाला है। या फिर कोई नए हलवाई भाई हैं उनको भी इस कमेंट के माध्यम से कुछ सीख मिलने वाली है। ठीक है, इन्होंने एक कमेंट किया है, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। जो कि आप कमेंट करते हो ना, आपको वीडियो का नोटिस मिल जाए, ठीक है, ताकि हम जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है, बूंदी के लड्डू के अंदर हम लाल हरी बूंदी जो डालते हैं वो रंग छोड़ देती है और लाल 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 हरे हरे लड्डू बन जाते हैं, जिसे कहीं धब्बे धब्बे हो जाते हैं। फिक्स कैसे बनते हैं या हलवाई की क्या कमी है, कुछ इस विषय में बताइए भाई। या हलवाई से दिक्कत हो जाती है या लंबे समय रखने की कोई कमी होती है, इसके बारे में हमें फिक्स बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई साहब का, जो कि आपकी ना ही तो कोई रखने की कमी होगी, ठीक है, और आप किसी प्रकार से लड्डू बना करके गेर सकते हो, किसी प्रकार से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी हलवाई की गलती हो जाती है जो लड्डू बनाने में, ठीक है, जिस टाइम पर लड्डू बनाए जाते हैं उस टाइम पर बूंदी डालने में मिस्टेक हो जाती है, किस प्रकार से डालनी जाती है। ठीक है, जो कि अब हम मान के चलते हैं हमने एक बोरी के अंदर 40 किलो बेसन लगाना है, ठीक है, एक बोरी के अंदर 40 किलो बेसन लगाना है। यदि हम उसके अंदर 38 किलो बेसन भी डाल देंगे, ठीक है, एक बोरी में 38 किलो बेसन डाल दिया, फिर हम उस लड्डू को काट मार के दाब कर रख देंगे, ठीक है ना, वो हमारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, उनको काट मार के रख देंगे। और जो 2 किलो यदि बेसन बच जाता है हम उसकी लाल और हरी बूंदी निकाल सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पर हमने पहली बात है पहला घान लिया है लाल बूंदी का, ठीक है, लाल बूंदी का हमने घान ले लिया है, लाल बूंदी का यदि हमारा घान तैयार हो गया 1 किलो बेसन का, ठीक है, उसको हमें एक अलग से प्रांत में निकाल देंगे, अलग प्रांत के अंदर, ठीक है, कोई भी तसला हो या प्रांत हो, हम उस जो बूंदी निकालेंगे तुरंत हमें लड्डू के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर हमने मान लीजिए हरी बूंदी का घान लेना है, ठीक है, जो लाल बूंदी का घान है उसको हम धो करके एक तरफ खिंडवा देंगे, ठीक है, फिर हम हरी बूंदी का घान लेंगे। घान लेने के बाद में उसमें भी उस घान को भी हम जो पहली वाली लाल बूंदी थी उसके अंदर निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बावजूद जो हमारे लड्डू है वे तैयार हो गए कढ़ाई के अंदर, उनके अंदर हम बार बार काट मार के प्रांत के अंदर निकाल लेंगे। प्रांत के अंदर हम थोड़ी थोड़ी यदि बूंदी डाल लेंगे, तो मान लीजिए एक प्रांत लड्डू हमने बोचने हैं उसके अंदर 2 मुट्ठा हम थोड़ा सा डाल लेंगे, ऊपर से अलग से डाल लेंगे, ठीक है, तब हम बोचते हैं तो कलर नहीं छोड़ेगी हमारी जो बूंदी है, कलर छोड़ने के बहुत ज़्यादा कम चांस हो जाते हैं। यदि हम उनको बूंदी को निकाल करके काट मार के दाब के रख देते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा मीठा पी जाती है, मीठा पीने से वो कलर छोड़ देती है। यही आज का कारण था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझा दिया है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।